गले से मेरे को मार दे। Hey guys, good morning. Welcome back to a new vlog. तो आज हम हैं घर में अपने गांव में। तो आज हमारे यहाँ प्रेयर मीटिंग है, तो आज हम प्रेयर बैठेंगे। तो आज मैं दिखाता हूँ आप लोग को, पूरा टूर कराता हूँ। अभी हम तैयार किए हैं बैठने के लिए। ये जगह देखो, दरी वरी मैं बिछाया हूँ, यहाँ पे सेट कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे बैठेंगे, ये जगह में बैठेंगे अभी। तो चलो, अभी फिलहाल मेरे को थोड़ा यहाँ पे काम करना है, यहाँ पे बिछाना है। ये देखो महारानी का छुप रही है। देखो गणेश जी कैसे तैयार होके आ रहे। तो मस्त लग रही है साड़ी में। तो गाइस देखो, ये बदमाशिन मेरी वाइफ कैसे मेरे से शर्मा रही। मेरे से शर्मा रही इससे कैसे देखो गणेशी को मस्त तैयार होके मेरे से छुप रही है। दिखाना नहीं चाहती कि साड़ी पहनी है उसको। तो साड़ी में मैं हमेशा बोलता हूँ अच्छी लगती है, अच्छी लगती, तारीफ करता हूँ। तो देखो भाव कह रही है मेरे से। तो अभी हम लोग का प्रेयर खत्म हो चुका है, मतलब नहीं हुआ है। हाँ मतलब हम लोग 11 बजे से बैठे थे, 11 बजे से बैठते बैठते हम लोग का 5 बजे और एक टाइम बैठेंगे 6 बजे। उसके बाद खाना सब्जी बना रहे हैं, देखते हैं क्या क्या बन रहा है आज खाना में। सब्जी में खाना तो वही बनेगा जो बनता है, चावल। और सब्जी में क्या क्या बनता है देखते हैं। हेलो, हाय बोलो। चलो मतलब तो प्रिस्का बता रही है कि अंडा बना है। तो चलो प्रिस्का बताओ। ये भैया यहाँ पे क्या क्या बना रहे हैं पूछते हैं भाभी। हेलो भाभी, क्या बना रहे हो? तो भाभी मतलब कि खाना सब्जी बना रही है भाभी, भैया। और ये रही हमारी गणेशी। वाओ कितना मस्त है, यहाँ पे अंडा बन रहा है। नहीं छोटी, हाथ नहीं दिखा। कितना अंडा होगा ये? चार प्लेट, मतलब 30, 60, 120 120 अंडा है यहाँ। साथ में आलू, यहाँ आलू है, यहाँ बनेगा चावल खाना। चलो अभी कुछ काम करते हैं, प्याज लहसुन छिलना है भैया लोग। यहाँ पे गणेश किससे बात कर रही है भैया से? कितना लेट? हेलो, इसे मिलिए। ये हमारी सुष्मिता है। सुष्मिता हेलो बोल दे। हेलो बोल ऐसे, हाथ हिला चल। हेलो बोल, हेलो बोल, क्या खा रही है? अंडा मत खाना, बोलो हो। ओ ओ ओ बोल, अभी नहीं। सब चिल्लर पार्टी लोग यहाँ मेरे साथ हैं अभी। चल यहाँ पे प्याज व्याज छिलना है, यहाँ प्याज बनेगा अंडा। यहाँ पे छिल रहे हैं भाई साहब, ऐसे करोगे आज बन जाएगा। हेलो भाभी, आप बहुत मोटी लग रही हो। इसका एक राज है मोटी होने का, हम बाद में बताएंगे। यहाँ पे प्याज छिलेंगे, प्याज छिला जा रहा है। हाथ से नहीं छिलेंगे तो मशीन तेरे लिए ला दूं क्या? हाथ से ही ना छिलते हैं। चलो बच्चे लोग सबको आ जाओ एक छिलने के लिए। यहाँ पे अंडा तलने की तैयारी चल रहा है। 120 अंडा यहाँ है, बाप रे इतना ज्यादा अंडा। सब अपने अपने काम में यहाँ बिजी हैं, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो हम चलते हैं थोड़ा सा यहाँ पे हेल्प करने के लिए, प्याज छिलेंगे। चलो कंपटीशन हो जाए, कंपटीशन प्याज छिलने का कंपटीशन। कौन कौन आगे छिलेगा? प्याज सबसे पहले छील सकते हो, लोग जीत जाएंगे। 10 प्याज तुरंत मैं छील लूंगा। मेरा 2 हो गया। तो मैं शुरू ही नहीं किया हूँ ना, जो शुरू किया है वो तो पहले अभी स्टार्ट करेंगे, उसके बाद ना स्टार्ट ना होकर कोई चीज होता है ना इसका। हेलो, बिल्कुल सही बोले आप। ये भी छिल रही है, छिल के दिखा 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 कैसे छिली है। हाँ छिल तो रही है कम से कम, तू भी छिल रही है। चलो सबको छिलते हैं अभी, ये सब छिल रहे हैं अभी। 10 कितने लोग होंगे? 4 से 5 लोग। तू भी आए यहाँ छिलने के लिए? अच्छा, गले से मेरे को मार दे। कैसे है यार तुम? मेरे आंख से पानी निकल रहा था। कैसे देखो पूरा भूतवा बन गया, भूतवा बन बना है, हाथ पूरा लाल हो गया प्याज छिलते छिलते। देखो तो 2 मिनट में हमारा जितना भी प्याज से छिला गया, अभी लहसुन छिलने के बाद।
देखो ये रो रही है। क्यों रो रही है? नाटक बना रही है। नाटक नहीं, सही है, मैं भी तो रो रहा था अभी। क्यों कर रहे थे? तो देखो गणेशी पूरा एक्सपर्ट है प्याज काटने में, कैसे काट रही है, कहाँ से सीखी हो? करते करते एक्सपीरियंस हो जाता है। क्या बनाती हो? क्या बनाती हूँ मैं? आपको नहीं पता मैं क्या बनाती हूँ? नहीं आप बोल रही थी ना कि मैं होटल वोटल खोलूंगी, शायद होटल खोली बोल रहा हूँ। होटल खोल ली गणेशी। अरे हाँ सही में बोल रही थी गणेशी, अभी मैं वहाँ पे मतलब होटल खोलूंगी बोल रही थी, बिरयानी होटल। कंप्लीट हो जाए फिर। पहले पढ़ाई तो कंप्लीट हो ही गया, दो महीना बचा है। दो महीना नहीं बचा, छह महीने बचे। छह महीना बचा, छह भी नहीं, सात आठ अभी के, दो महीने फिर छह महीने। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या क्या खाना पीना बना रहे हैं और क्या क्या, इसे दो वीडियो हो चुका है हम डाल चुके हैं। तो हर महीना के लास्ट में हमारे यहाँ प्रेयर मीटिंग होता है और सबके लिए खाना बनता है, मतलब 50-60 लोग के लिए, मतलब यहाँ पे चर्च बैठते हैं, सबके लिए खाना बनता है। फास्टिंग प्रेयर। फास्टिंग प्रेयर। और यहाँ पे बन रहा है, क्या बन रहे हैं? दाल बनेगा यहाँ। तो ये दाल के लिए पानी चढ़ा हुआ है, पानी चढ़ा हुआ है। और चलो आप लोग को दिखाता हूँ अभी खाना कैसे, कितना बड़ा में बन रहा है, कितना बड़ा गंज है, कितना बड़ा गंज है, मैं दिखाता हूँ हमारे जैसे। तो यहाँ पे बन रहा है हमारी कोठरी, यहाँ पे है, यहाँ पे कोठरी में बनेगा यहाँ चावल, कितना बड़ा में 50-60 लोग के लिए बनाना है। आ रहा हूँ मैं, दिखाता हूँ आप लोग को, आइए दोस्तों, आइए हमारे साथ, आइए यहाँ मिलिए, इधर है पूरा हमारे, हम सब एक परिवार है, मतलब जितना भी चर्च जाते हैं सब एक परिवार है। तो यहाँ पे मिलजुल के काम कर रहे हैं, यहाँ पे प्याज व्याज छिल के, गणेशी प्याज का, गणेशी प्याज छिले, और यहाँ पे लहसुन छिले हैं, और यहाँ पे आनंद भैया यहाँ पे चावल लेके जा रहे हैं। इतना ज्यादा चावल देखो, इतना सारा चावल ये बनेगा सबके लिए खाना, उसना चावल। हाँ उसना चावल बनेगा, उसना खाते हैं। और यहाँ दिखाओ, मैं दिखाता हूँ, ये रही भाभी मिर्च काट रही है। हेलो भाभी। हेलो। एकदम हरे हरे साड़ी में खिल रहे हो। बहुत हरी मिर्ची काट रही है, खाना पड़ेगा 5 मिनट, ये आपका चैलेंज है। एक तो आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे आइए, यहाँ पे चाची क्या कर रही है, यहाँ पे चाय बांट रही है सबके लिए, चाय हम लोग चाय मतलब पीते ही हैं, एक दो बार मैं तो नहीं पीता, एक बार पीता हूँ। और मैं मिलाता हूँ आप लोग को, यहाँ पे विदेशी टिग्गा यहाँ पे काम कर रहा है, यहाँ पे भैया वहाँ पे तेल डाल रहे हैं, और यहाँ आलू बनाने की तैयारी, अंडा बनाने की तैयारी चल रहा है। तो ये हो रहा है, अभी बनने के बाद फिर खाएंगे खाना, फिर मिलते हैं खाना खाने के टाइम। तो आपको मजा आया होगा हमारी, मतलब कि और बहुत लोग हैं तो उधर इधर गए होंगे सब पे, मतलब सब भी गए हैं, जितने हैं सबको दिखा दिया। 8 बजे खत्म होगा हमारा जो मीटिंग होगा वो, तो चलो मिलते हैं बाद में। तो हमारा प्रेयर खत्म हो गया गाइस, और अभी हम सब खाने के लिए सब इकट्ठा हो गए, सब खाने के लिए यहाँ पे चटाई बिछाए हैं। बच्चे लोग एक साइड बैठ जाओ। तो हम लोग खाना खाने बैठ रहे हैं अभी टाइम हो रहा है 8 बज रहा है, और बहुत ज्यादा आज फास्ट है दिन भर, तो इसी वजह से बहुत ज्यादा भूख लग रहा है। आनिमल बैठने तो सब कोई बैठ रहे हैं अभी, चिल्लर पार्टी उस साइड बैठे हैं उस साइड, और हम लोग यहाँ बैठ रहे हैं अभी खाना खाते हैं मस्त। चल यार, हे विदेशी थाली दे जल्दी। हाँ हमारे पास आ गया थाली, एक दो यार, एक दे बस, उपवास नहीं खाएगा, क्या बात है यार। तो यहाँ पे मस्त दाल बना है भाई, आज मस्त तगड़ा एकदम मस्त आज दिख रहा है, वाह। दिल्ली के बीच के इस मुकाबले में अब श्रीकांत जाधव को किया, बढ़िया टाइम किया विशाल ने, सिंगल थाई पर गए, रिवाइव करा दिया। तो हमारे यहाँ पूरा मतलब कि 2 महीना तक कंटिन्यू कबड्डी वाला जो मतलब कि चलता है ना गेम, उसको देखते हैं। भाभी आप देखते हो? हाँ देखते हो। मम्मी आप किसको पसंद करते हो सबसे ज्यादा? पापा जान रहा है, किसके पसंद करते हो पापा? प्रदीप नरवाल। इधर देख के बोलो। प्रदीप नरवाल। प्रदीप नरवाल
मैं खुद नहीं जानता आज के आज आज तक मैं देखा नहीं हूँ कबड्डी. इन लोगों को पता है प्रदीप नरवाल क्या क्या पटना पारे पटना पारे यूपी योद्धा में है. तो दो महीना तक कंटिन्यू यहाँ पे इन लोग का कबड्डी वाला चलेगा और यहाँ पे देख रहे हैं कबड्डी. थोड़ा प्रेशर में खेल रहे हैं क्योंकि डिफेंस बहुत ज्यादा एग्रेसिव होके अटैक करके खेल रही है. उस वजह से ऐसे अगर डिफेंस खेलता है तो हालांकि किसी भी रेडर पे वो प्रेशर आ ही जाता है. हालांकि कोई आज तक मैं नहीं देखा हूँ. तो हम लोग खाना वाना खा के अभी मस्त है रूम में. तो आज का वीडियो आई होप आज का वीडियो पसंद आया होगा. पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल में तो सब्सक्राइब करना. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक बाय 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 हेलो बाय. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक बाय. अरे हमारे घर में इतना अंधेरा कैसे? अरे कोई गरीब खाना में लाइट वाइट जला दो भैया. ये देखो कुछ नहीं दिख रहा है. मैं कहीं लगभग